वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और आज हम कवर करने वाले हैं एफएसटी 1 के क्वेश्चन नंबर 121 टू क्वेश्चन नंबर 140। लास्ट के जो 6 वीडियोस हैं हमने उनमें बाकी के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, तो अगर अभी तक आपने उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख लें। साथ ही साथ आप इन जो वीडियोस हैं हमारे इनको पीडीएफ के फॉर्मेट में भी डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं ताकि आप क्विक रिवीजन कर सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट करें बेल का आइकन ताकि आपको हमारे चैनल के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहें। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 121 है और जहां हमने पीछे वीडियो को लीव किया था वहीं से हमने इस वीडियो को उठाया है। तो स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 जो था उसके बारे में लेकर के एक बच्चे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, एक स्टूडेंट को हमारे, उनका कन्फ्यूजन सबसे पहले क्लियर करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि ड्यूअल पर्पस बीड्स जो होती हैं वो इंक्लूड करती हैं वर्क और मिल्क। हमने ऑप्शन ए को टिक किया था और वो कहते हैं कि ऑप्शन बी क्यों नहीं हो सकता है। तो वर्क और मिल्क दो अलग अलग पर्पसेस हो गए, वर्क एक वर्क का पर्पस हो गया और मिल्क एक मील के लिए पर्पस हो गया हमारे फूड के लिए, तो ये दोनों चीज़ें अलग हो गई। और जो बी ऑप्शन था वो था मिल्क एंड मीट, जो कि दोनों ही अमूमन एडिबल है, खाने के लिए ही प्रयोग में लाई जाती हैं, तो ये फिर तो सिंगल पर्पस हो गया, इसीलिए हमने पॉइंट ए को टिक किया था वहां पर। करेक्ट, आपका भी कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो गया होगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 121 की बात कर लेते हैं अब। रिकेट्स आर कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, रिकेट्स हड्डियों की बीमारी होती है और ये किस कारण से होती है ये आपको बताना है। तो ये इसका जो कारण है वो विटामिन डी की कमी से होती है रिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 122 है, नाइट ब्लाइंडनेस आर कॉज्ड ड्यू टू डेफिशियंसी ऑफ, रतौंधी जिसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, वो किस कारण से होती है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 122 है और आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी एंड विटामिन ए। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा विटामिन ए, जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 है, एड्स स्टैंड फॉर, एड्स का जो फुल फॉर्म है वो आपको बताना है, इसका जो फुल फॉर्म है उसके लिए आपके पास में चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 124 थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसे। टाइप्स ऑफ डिजीज, डिजीज के कितने टाइप होते हैं, तो डिजीज की जो टाइप होती है वो टू होती है। एक होती है इन्फेक्टियस, यानी कि जो इन्फेक्शन के थ्रू फैलती है, कम्युनिकेबल होती है। दूसरी होती है नॉन इन्फेक्टियस, यानी कि इन्फेक्शन के थ्रू नहीं होती है, वो हमारी बॉडी के अंदर किसी ना किसी डेफिशिएंसी के कारण आती है। तो ये तो थे हमारे पास टाइप्स ऑफ डिजीज। आगे क्वेश्चन नंबर 125 की बात कर लें, कम्युनिकेबल डिजीजेस सेपरेटेड स्प्रेड रैपिडली ओवर लार्ज एरियाज, यानी कि वो कम्युनिकेबल डिजीज जो बहुत ही रैपिड उसका स्प्रेड होता है, बहुत ही जल्दी से वो फैलती है और बहुत लार्ज मास में लोगों को नुकसान पहुंचाती है, उस टाइप की डिजीज को हम क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं एपिडेमिक, प्लाग, एंडेमिक और नो। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए, एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब ही महामारी होता है। क्वेश्चन नंबर 126 है आपके स्क्रीन के ऊपर, मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया किस कारण से होता है। और आपके पास ऑप्शंस हैं प्रोटोजोन, बैक्टीरिया, वायरस, प्लास्मोडियम। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा प्रोटोजोन। प्रोटोजोन जिसे हम प्लास्मोडियम कहते हैं, किस रिस्पेक्ट में, मलेरिया के रिस्पेक्ट में। और जो प्लास्मोडियम है इसको कौन कैरी करता है, इसको कैरी करती है फीमेल मॉस्किटो एनोफिल्स। आगे बढ़ जाते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 127 है, फर्स्ट एवर एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड फ्रॉम अ कल्चर ऑफ फंगस, फंगस के कल्चर से डिस्कवर किया हुआ पहला एंटीबायोटिक कौन सा है। और आपके पास जो ऑप्शंस में दिख रहे हैं ये तीनों के तीनों ही एंटीबायोटिक हैं, जो ऑप्शन ए, बी एंड सी है। ए है पेंसिलिन, बी स्टेप्टामाइसिन, सी एविल, डी नॉन। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पेंसिलिन। आगे बढ़ जाए और एक और चीज़ की, पेंसिलिन को किसने डिस्कवर किया है ये आपको हमें कमेंट करके बताना है, इससे क्या होगा कि आप जो लर्निंग में ज्यादा इंगेज रहेंगे। 128 नंबर का प्रश्न है, WBC डेवलप इन, व्हाइट ब्लड सेल कहाँ डेवलप होता है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं थाइमस, बोन मैरो, बोथ,
नॉन, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बोथ. ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 128. आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 129, ये कहता है मेजर फिजिकल बैरियर टू द एंट्री ऑफ जर्म्स. जर्म्स की एंट्री के लिए मेजर फिजिकल बैरियर कौन सा है? आपके पास ऑप्शंस है स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, बोथ, नॉन. और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बिना देरी किए बता दे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. 130 नंबर का क्वेश्चन है, डिफेंस प्रोसेस ऑफ बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ. ऑप्शंस हैं प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा. और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल. हम जानते हैं ये हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम को पूरा क्रिएट करती है, जो डब्ल्यूबीसी होती है. लेकिन थोड़ा सा आपको इसके बारे में और चीज़ें बता देते हैं कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का जो रेशियो है, तो डब्ल्यूबीसी अगर 600 है तो आरबीसी वहाँ पर 1 हो, नहीं, ये जो आरबीसी है वो अगर 600 है तो डब्ल्यूबीसी वहाँ पर 1 होता है. एक और चीज़ कि जो हमारा ब्लड है उसके अंदर 60% प्लाज्मा होता है, और प्लेटलेट्स हमारे ब्लड के अंदर का ही ये कंपोनेंट है. यानी कि जो ब्लड है उसके अंदर चार चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी. आगे बढ़ जाएंगे आगे के क्वेश्चंस की तरफ. क्वेश्चन नंबर 131 है, फादर ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के फादर किसे माना जाता है? और आपके पास ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, एंटोनियो वैन, ल्यूवेनहुक, एडवर्ड जेनर, लुईस पाश्चर, रॉबर्ट हुक. और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा एडवर्ड जेनर. एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन इंजेक्शन बनाई थी, कब? 1796 में, और उन्होंने इसका टेस्ट अपने बेटे पे किया था. आगे बढ़ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 132 है, डब्ल्यूबीसी न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन्स बाय प्रोड्यूसिंग. आपके पास ऑप्शंस हैं एंटीबॉडीज, एंटीजन, एंटीबायोटिक और डी है नॉन. और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा एंटीबॉडीज. जो आपके पास ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है एंटीबॉडीज, ये करेक्ट होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 132. आगे बढ़ जाते हैं. 133 नंबर का क्वेश्चन है, एड्स कॉज्ड बाय, एड्स किस कारण से होती है? आपके पास कुछ नाम दिए हुए हैं. ए है एचआईवी वायरस, बी बैक्टीरिया, सी वायरस, डी जर्म्स. और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा एचआईवी. आगे बढ़ जाएं. 134 नंबर का क्वेश्चन है, एल्मर मैककॉलम डिस्कवर्ड, एल्मर मैककॉलम ने कौन से विटामिन को यहाँ पर डिस्कवर किया है? आपके पास ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 134 नंबर के क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा विटामिन ए. एक और चीज़ इससे जुड़ा हुआ, एक फैक्ट छोटा सा बता दें आपको, तो एल्मर मैककॉलम जो थे, जब वो बीमार थे तो उन्हें स्कर्वी हो गई थी दांतों के अंदर, और उनके लाइफ का कोई भरोसा नहीं था. तब उनकी मदर ने उन्हें एप्पल को पील करके उन्हें खिलाना स्टार्ट किया, और देखा कि उनके अंदर काफ़ी रिकवरी हो रही है. और इसके बाद जब वो बड़े हुए तो एल्मर मैककॉलम ने विटामिन ए की खोज की. आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ. इनिशियली इन्फेक्शन ऑफ एचआईवी, एचआईवी के जो इनिशियल इन्फेक्शन होता है उसको किस पीरियड के नाम से जानते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए सिम्टोमेटिक पीरियड, बी सिम्टोमेटिक पीरियड, सी इनिशियल इन्फेक्शन एंड डी इज ऑल ऑफ दीज. और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए एसिम्प्टोमेटिक पीरियड, क्योंकि ये वो टाइम है जब इसके सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं. क्वेश्चन नंबर 136 है, एचआईवी वायरस स्पेसिफिकली डिसेबल्स, एचआईवी वायरस जो है वो स्पेशली किस चीज़ को डिसेबल करता है? नर्वस सिस्टम या इम्यून सिस्टम? तो वो हमारी सबसे पहले इम्यून सिस्टम पे अटैक करते हैं, इम्यूनिटी को ख़त्म कर देते हैं. आगे के क्वेश्चन है 137, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, नर्वस सिस्टम में क्या कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं? आपके पास ऑप्शन है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्व्स, और डी है ऑल ऑफ दीस. और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीस, क्योंकि ये सारी चीजें मिलकर के ही नर्वस सिस्टम बनाती हैं. 138 नंबर का क्वेश्चन है, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स कैटेगराइज इनटू काइंड्स, न्यूरॉन्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है ये आपको बताना है. आपके पास ऑप्शन है मोटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स और एसोसिएशन न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स,
एंड ऑल ऑफ दीज, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये जो तीनों टाइप्स हमने ऊपर अभी बात की ए बी एंड सी की, ये तीनों के तीनों ही न्यूरॉन्स की कैटेगरीज हैं। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता दें तो जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो मसल्स तक आती हैं, जो इंटर न्यूरॉन्स हैं वो दो नर्व्स के बीच में वर्क करती हैं, जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो हमारे स्किन के साइड में आती हैं। तो ये तो थे वो तीन टाइप के न्यूरॉन्स, और उसका थोड़ा थोड़ा हमने फंक्शन के बारे में यहाँ पर बात कर लिया, उनके लोकल कहाँ पे वो लोकेट करते हैं ये आपको बता दें। क्वेश्चन नंबर 139 है, कनेक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ अ गैप। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नर्व्स की, तो नर्व्स का जो कनेक्शन होता है वो एक गैप जैसा होता है, गैप के फॉर्म में होता है, तो आपको बताना है कि वो फिर उस गैप को हम क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं स्नैप्सिस, डेंड्राइट्स, नर्व्स, एक्सॉन, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्नैप्सिस। आगे क्वेश्चन नंबर 140 है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 140 आपके पास ऑप्शन है फोर ब्रेन, ब्रेन स्टेम, सेरिब्रम, सेरिबेलम, और आपके पास जो ऑप्शंस है क्वेश्चन नंबर 140 के अंदर उसका जो सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 140 के लिए वो पॉइंट नंबर सी है, सेरिब्रम इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 140। इसके बारे में हम आगे यहीं से अपनी वीडियो को, नेक्स्ट जो वीडियो यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो जो हमने आपको अभी बताया इसके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में आने की चांसेस हैं, और जो हमने BSHF का लास्ट जो हमने डिज़ाइन किया था पूरा का पूरा पेपर, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में आए थे। तो इस बार भी चांसेस हैं कि FST में भी हमारे वीडियोस के बहुत सारे क्वेश्चंस इस बार एग्जाम में पूछे जाएं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वी विल लर्न समथिंग न्यू थिंग्स इन दैट वीडियो। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, जय हिंद जय भारत।